जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मैंगो छेना रोल। बहुत ही इजी एंड क्विक डिजर्ट है, देख सकते हैं कितना टैम्पटिंग लग रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंगो छेना रोल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटा मिक्सी का जार लिया है। इसमें 200 ग्राम के अप्रॉक्स डाल देंगे होममेड छेना। इसे मैंने दूध को बॉयल करके गर्म दूध में वेनेगर डाल के फाड़ के छेना बना लिया है। आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल के छेना फाड़ सकते हैं। 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दिया है, इसे अब क्विकली टर्न कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। यहाँ पे 3 पके हुए मैंगो को अच्छे से वॉश करके पील कर लिया है, इसके छिलके को हटा दिया है। अब मैं इसे पतले पतले स्लाइस में कट कर लूँगी। इस तरीके से हमें काट लेना है, जितना पतला स्लाइस हो सके आप काट सकते हैं। काटते टाइम जो है आपका मैंगो टूटेगा नहीं, अगर मोटा स्लाइस रहेगा तो रोल करते टाइम वो टूट सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे मैंगो के स्लाइसेस कर लूँगी। तो यहाँ पे छेना का भी मिक्सचर रेडी है जो अभी हमने पीसा था, और यहाँ पे सारे मैंगो के स्लाइसेस भी हमने कर लिए हैं। अब थोड़ा थोड़ा छेना का मिक्सचर मैंगो के स्लाइस पे रखेंगे और इस तरह से रोल कर देंगे, और इस तरह से टूथपिक लगा देंगे ताकि ये खुले ना रोल हमारा। सेम प्रोसेस से दूसरा रोल भी हम बनाएंगे। तो एक स्लाइस मैंगो का लिया है, उस पर मैंने थोड़ा सा मिक्सचर रखा है छेना का और इस तरीके से रोल कर दिया है, और इसमें हम टूथपिक लगा देंगे। तो 2 हमने रेडी कर लिया। तीसरा रोल भी हम बना लेते हैं। तो ये जो छेना का मिक्सचर मैंने मिक्सी में पीस के रेडी किया है, आप चाहे तो छेना को हाथों से प्रेस करके, हाथों से मसल करके स्मूथ कर सकते हैं, और पाउडर शुगर मिला करके इस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो ये तीसरा रोल भी हमारा रेडी हो चुका है, इसमें हम टूथपिक लगा देंगे और सेम प्रोसेस से बाकी बचे स्लाइसेस के रोल्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे रोल्स बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं इसे गार्निश कर दूंगी थोड़े से ऑलमंड फ्लेक्स से। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना डिलीशियस लग रहा है, आप भी इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। मैंने इसे सर्व कर लिया है। सर्व करने से पहले 1 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था। ठंडा ठंडा ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप भी इसे एंजॉय कीजिए। आई होप कि ये रेसिपी आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।